कूलिंग सिस्टम कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया सिमका की ओर से आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार, मैं ऑटो उस्ताद आज आपको कूलिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे काम करता है। कूलेंट सिस्टम का काम है इंजन के टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बनाए रखना। अगर इंजन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो इंजन सीज होने का चांसेस बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर लो हो तो इंजन की कार्यक्षमता कम हो जाती है। कूलिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। एयर कूलिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो इंजन को हवा द्वारा ठंडा करता है। वाटर कूलिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो इंजन को कूलेंट द्वारा ठंडा करता है। चलिए अब विस्तार में जानते हैं कि कूलेंट सिस्टम कैसे काम करता है। इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलकर पावर जनरेट करता है। इस दौरान हीट उत्पन्न होती है। हीट का कुछ भाग पिस्टन को नीचे की ओर धकेलने में इस्तेमाल होता है, और कुछ हीट एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाती है, और बची हुई हीट इंजन अपने आप अंदर सोख लेता है, जिसे इंजन का तापमान बढ़ जाता है। इंजन की हीट को कूलेंट सोख लेता है, जिसे इंजन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में काम करता है। अब हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। रेडिएटर, फैन वाटर पंप, कूलेंट रिजर्वॉयर, थर्मोस्टैट, हीटर कोर। जब इंजन शुरू होता है तो इंजन से जुड़ा हुआ वाटर पंप काम करने लगता है, और रेडिएटर के निचले हिस्से से कूलेंट को इंजन सिलेंडर के चारों ओर पहुंचाता है। कूलेंट इंजन ब्लॉक से होते हुए सिलेंडर हेड में जाता है, और वहां से रेडिएटर आउटलेट में पहुंचाता है। कूलेंट कंबशन के दौरान उत्पन्न हुई हीट को सोखता है, और रेडिएटर इनलेट की तरफ जाता है। हालांकि थर्मोस्टैट कूलेंट को रेडिएटर की तरफ बहने के लिए प्रतिबाधित करता है, जब तक कि कूलेंट का टेम्परेचर इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ऊपर नहीं उठता है, जो आमतौर पर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। इस उदाहरण पर यदि केबिन के अंदर हीटर चालू है तो कूलेंट बाईपास हॉज के द्वारा हीटर कोर के माध्यम से प्रवाहित होता है। हीटर कोर मिनी रेडिएटर है, जिसका प्रयोग गर्मी एक्सचेंजर के रूप में किया जाता है, जो हीट को कूलेंट से हवा में स्थानांतरित करता है, जो पैसेंजर कंपार्टमेंट में बहती है। दूसरे छोर पर थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग वाल्व के रूप में रेडिएटर में कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने और अधिकतम सीमा के भीतर इंजन का टेम्परेचर अनुकूल बनाए रखने का काम करता है। इस थर्मोस्टैट में वैक्स और एक रॉड से भरा चैम्बर होता है। जब थर्मोस्टैट से गुजरने वाला हाई टेम्परेचर कूलेंट, जो कि आमतौर पर 180 डिग्री होता है, उस दौरान वैक्स पिघलने लगता है। मोम के पिघलने के कारण थर्मल का विस्तार होता है, जो रॉड को धकेलता है और जिससे कूलेंट को बाहर निकलने की मंजूरी प्रदान करता है। रेडिएटर फैन एक थर्मोस्टैटिक स्विच से संचालित होता है, जो कूलेंट को थर्मोस्टैट से बाहर प्रवाहित करता है। कूलेंट थर्मोस्टैट वाल्व से गुजरकर अपर रेडिएटर हॉज के द्वारा अपर रेडिएटर टैंक में पहुंचता है। कूलेंट के अधिकतम टेम्परेचर के कारण अधिकतम दबाव के निर्माण की संभावना हो सकती है, जो कूलेंट को ऊपरी टैंक में प्रवेश करने से रोक सकता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए अपर टैंक में एक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व को लगाया गया है। ये तब खुलता है जब दबाव अपने सीमा से अधिक हो जाता है। वाल्व के खुलने से हाई प्रेशराइज्ड कूलेंट ओवरफ्लो टैंक में चला जाता है। कूलेंट अपनी हीट हवा में निकाल देता है जब वो फ्लैट ट्यूब्स में बने स्पेस की जगह से गुजरता है। फैन एयर की प्रवाह को बढ़ाता है, इस वजह से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाती है। बेहतर कूलिंग प्रभाव के लिए और फ्लैट ट्यूब्स पर बने फिन्स की मदद से हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ा दिया जाता है। जब कूलेंट रेडिएटर के निचले टैंक तक पहुंचता है तो कूलेंट का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, और ठंडा कूलेंट इंजन सिलेंडर के आसपास वापस से परिचालित किया जाता है, और ये साइकिल दोहराया जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि कूलेंट इंजन से अतिरिक्त गर्मी को निकालता है, और ये कूलिंग सिस्टम रेडिएटर की मदद से हीट को एक्सचेंज करने में मदद करता है। कूलिंग सिस्टम इंजन को खराब होने से भी बचाता है। इंजन हीट के द्वारा जो प्रेशर बनाता है, कूलिंग सिस्टम उस हीट को बाहर के वातावरण में प्रवाहित कर देता है।
इस सिस्टम में एक लिक्विड पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कूलेंट कहते हैं। अगर हम केवल पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से खराब हो सकता है और जंग उत्पन्न कर सकता है। पानी लो टेम्परेचर पर जल्दी गर्म और ठंड में जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी एक पुअर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज है। इस समस्या का समाधान है कि पानी के साथ हम केमिकल का उपयोग करें। ऐसा कूलेंट हमें लुब्रिकेट प्रॉपर्टीज देता है और जंग से भी बचाता है। कूलेंट लिक्विड फॉर्म में अपना काम बहुत कुशलता से कर सकता है। यदि कूलेंट गर्म होकर वाष्प में बदलता है तब कूलिंग एफिशिएंसी पर काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि कूलेंट एक हाई टेम्परेचर पर काम करता है और कूलिंग एफिशिएंसी को बनाए रखता है। क्योंकि कूलिंग सिस्टम में हीट और प्रेशर दोनों शामिल होते हैं, आप कभी भी इस दौरान रेडिएटर कैप को ना खोलें जब कूलिंग सिस्टम गर्म होता है। अत्यधिक गर्म कूलेंट बहुत तेज गति से रेडिएटर से बाहर निकलता है। ये एक टॉक्सिक एसिड होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, जो उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। व्हीकल मेंटेनेंस के दौरान कूलेंट सिस्टम को इंस्पेक्शन या सर्विस की आवश्यकता हो सकती है। इसमें विजुअल चेक्स, कूलेंट टेस्टिंग और कूलेंट रिप्लेसमेंट शामिल है। विजुअल इंस्पेक्शन करते दौरान रबर हॉजेस को चेक करना जरूरी है, कहीं वो उभरा हुआ, टूटा हुआ और कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है। और ये भी ध्यान देना है कि वाटर पंप बियरिंग और टेंशनर बियरिंग सही से काम कर रहे हों। आप उसे घुमा कर देखें कि कहीं वो घिसा हुआ तो नहीं है, और यदि वो घिसा हुआ है या टूटा हुआ है तो उसे बदल दें। इंस्पेक्शन के दौरान कूलेंट मिक्सचर को प्रॉपर चेक करें। सही मिश्रण शक्ति कूलेंट के उबलते और ठंडे बिंदु को प्रवाहित करती है। और जो कूलेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लाइफ, उसकी जंगरोधक शक्ति और लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज भी चेक करनी चाहिए। ये समय के साथ घटती जाती है। अगर आपको कूलेंट इंस्पेक्शन के दौरान कोई समस्या नजर आती है तो उसे प्रीमिक्स्ड कूलेंट के साथ बदलना चाहिए। प्रीमिक्स कूलेंट में अलग से कोई भी मिश्रण नहीं करना चाहिए। और अगर कूलेंट कहीं से भी लीक होता है तो आप उसे आपकी आंखों से चेक कर सकते हैं। तीन तरह से कूलेंट लीक हो सकता है। पहला, हॉज कनेक्शन से रिसाव कर सकता है। दूसरा, दूसरे घटक जैसे वाटर पंप या रेडिएटर सील से लीक कर सकता है। और तीसरा, इंजन की सतह पर कूलेंट लीक की जांच करें। अगर इस दौरान कोई लीकेज नजर ना आए तब आप प्रेशर टेस्टर से कूलिंग सिस्टम की जांच करें। प्रेशर टेस्टर एक फोर्स उत्पन्न करेगा जो कूलेंट को लीकेज एरिया से बाहर निकालेगा या बबल्स दिखाएगा, और ये प्रक्रिया इंजन को बंद करके ही की जानी चाहिए। कूलिंग सिस्टम को प्रेशराइज्ड करने के बाद दोबारा लीकेज की इंस्पेक्शन करें। अगर कोई लीकेज नहीं है तो कार का कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आपने भी हमारे ऑटो उस्ताद को ध्यान से सुना है और आप भी इंजन के बारे में सब समझ गए तो दीजिए इन सवालों का जवाब। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन 1, गैसोलीन इंजन को डीजल इंजन की तुलना में - हवा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 2, - इंजन के पानी के जैकेट और रेडिएटर के बीच कूलेंट का कार्य करती है। क्वेश्चन 3, रेडिएटर आमतौर पर - मटेरियल से बना होता है। क्वेश्चन 4, कूलिंग सिस्टम - को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन 5, कूलिंग सिस्टम के अंदर रेडिएटर पर लगा प्रेशर कैप - को बढ़ाता है। क्वेश्चन 6, कूलिंग फैन इंजन और - के बीच में लगा होता है। क्वेश्चन 7, - रेडिएटर में प्रत्येक ट्यूब में इसके आसपास के व्यक्तिगत फिन्स होते हैं। क्वेश्चन 8, मोटरसाइकिल्स में - से इंजन को ठंडा किया जाता है। क्वेश्चन 9, कूलिंग सिस्टम - बनाए रखता है। क्वेश्चन 10, रेडिएटर का उद्देश्य हीट को वातावरण में - करना है।
आंसर्स। आंसर वन अधिक, आंसर टू रेडिएटर हॉज, आंसर थ्री कॉपर, आंसर फोर हाई टेम्परेचर, आंसर फाइव एयर प्रेशर, आंसर सिक्स रेडिएटर हॉज, आंसर सेवन गिल टाइप, आंसर एट एयर कूलिंग सिस्टम, आंसर नाइन इंजन टेम्परेचर को, आंसर टेन ट्रांसफर।